हमारी नजर है इनमें से किसी के ऊपर नहीं है, दूसरी है वो आपको दिखाते हैं अभी। वाइब्रेशन बहुत कम है, थंडरबर्ड में ज्यादा वाइब्रेशन थी, इसके अंदर वाइब्रेशन कम है। What's up beautiful people, की हाल चाल, सत श्री अकाल। सो आज देख लो यार, स्कूटी पे हूँ, आज बाइक नहीं निकाली है हमने। इसका कोई खास रीज़न नहीं है, बट जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज कुछ स्पेशल है, तो अभी बस जा रहे हैं स्पेशल के लिए। तो हमें रास्ते में मिलना है मेरे एक पुराने फ्रेंड ने, सो फटाफट से पुराने फ्रेंड को मिलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या है आज। सो फटाफट से पुराने फ्रेंड को मिलते हैं और उसके बाद दिखाते हैं क्या है आज। बाकी टाइटल में तो आपको पता लग ही गया होगा, को इंतजार कराए बिना हम लेके चल रहे हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम, जहाँ पे अभी हम लेने लगे हैं। बताएंगे यार, सबर करो, इतनी जल्दी क्या है, पहले कलेक्शन तो देखो। यहाँ पे सो हमारी नजर है इनमें से किसी के ऊपर नहीं है, दूसरी है वो आपको दिखाते हैं अभी। हाँ हाँ, अरे मेरे पास क्लासिक है। सो इसमें डिफरेंस क्या है, ये किस चीज के लिए? ये आपका स्टार्ट के लिए है। अच्छा, ये स्टार्ट होगी आप ऑफिस हो जाती है। ये आपका हजार्ड लाइट की है। ठीक है ठीक है ठीक है। सो ओवरऑल बात करें तो कंसोल जो आगे मीटर का है वो चेंज हुआ है, टाइमिंग आ रहा है अब यहाँ पे, सारे मीटर की रीडिंग आ रही है, जो हम पेट्रोल नहीं है इसमें। सो देखा जाए तो ये पूरा फील मुझे थंडरबर्ड का ही दे रहा है। जो एक बुलेट वाला मजा है वो नहीं है, बट कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल ये लग रहा है कि जैसे थंडरबर्ड ही चला रहा हूं मैं। गियरिंग इंजन की बात करें तो थोड़ा सा फर्क है, इसमें अलॉय भी आ गए हैं और फ्रंट बैक दोनों डिस्क हैं। ये कलर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इस कलर में क्रोम बहुत ज़्यादा है। और वाइब्रेशन बहुत कम है, थंडरबर्ड में ज़्यादा वाइब्रेशन थी, इसके अंदर वाइब्रेशन कम है। लॉन्ग रूट के लिए बहुत बढ़िया, जैसे हमारी थंडरबर्ड होती थी। रेडियस उतना ही है जो जितना टर्न रॉयल एनफील्ड करती थी उतना ही है। अगर इसी को थोड़ा सा ऊंचा करते ना तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं हिमालयन चला रहा हूँ। बट ओवरऑल मैं ये बात कहूँगा कि अगर कोई नई बाइक आती है तो हमें देखना होता है कि कुछ एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कि उसमें काफ़ी चीज़ें नई आएंगी, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं आया। जो पुरानी थंडरबर्ड थी मेरे को ऐसा लग रहा है नॉन चेंज करके उसी को डाल दिया।
घड़ी भी है मीटर की, चलो कंसोल तो है ही है, और उसके बाद आपका ट्रिप मीटर भी है, ट्रिप की इंडिकेशन भी है, न्यूट्रल लाइट, ये सब कुछ है। ओवरऑल बहुत सही है। अब रॉयल इनफील्ड ने भी कस्टमर सेंट्रिक सोच सोच के उसमें अलॉयज देने शुरू कर दिए। पहले रॉयल इनफील्ड में अलॉयज नहीं आते थे, जो मर्जी मॉडल उठा लो किसी में आपको अलॉय नहीं मिलता था। डिस्क में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गई है, नॉट श्योर, हो सकता है ये नई हो इसलिए, बट जब मैंने क्लासिक ली थी, क्लासिक जो नई भी है उसमें भी इतनी परफेक्ट ब्रेक नहीं, ब्रेकिंग नहीं थी, तो आई एम नॉट श्योर कि हो सकता है ये चीज़ का फ़र्क हो। तो एक फीचर जो मुझे अभी पता लगा उसके बारे में बता दूं कि इसमें गूगल नेविगेशन भी है, बेसिकली आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपको लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है इस इंडिकेशन में आपको बताया जाएगा। ये सिर्फ वॉच के लिए और कुछ नहीं है। तो यार वॉच तो हमारे पास ऑलरेडी है, इस पर कुछ और लगा देते। सो कम्फर्ट के मामले में बहुत अच्छी है। तो बात बन गई, अभी कुछ न्यूज़ होगी तो आपको भी देंगे। अभी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, बेसिकली जो मेरा फ्रेंड था उसने लेना है वीवो का मोबाइल, तो एक बार जाके देखते हैं कि वीवो का कौन सा मोबाइल बढ़िया है, तो जैसे ही कोई अगर लगता है सही तो फिर उठा लेंगे, क्या दिक्कत है। दिक्कत ही नहीं, अंधेरा हो चुका है, टाइम हो रहे हैं 5:30। राइट। तो दोस्तों भाई लोगों, हमें कोई फ़ोन पसंद नहीं आया, सारे चेक कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए स्कूटी पे घूम रहे हैं। अब इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। बाकी आज हमें बहुत बढ़िया बाइक दिख गई, आपने पूरी वीडियो देखी होगी, पूरा रिव्यू आपको बता दिया है कि क्या चेंजेस आए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद, बाय।